हेलो ब्रांडेड, आई होप आपके पेपर्स की जो प्रिपरेशन है और आपके जे का जो पेपर चल रहा है आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। जिनका पेपर 1 तारीख को है यानी कि मॉर्निंग सुबह शिफ्ट में है या तो भी उनका इवनिंग शिफ्ट में है, और साथ ही साथ जिनका 31 को पेपर है उनका भी अच्छे से प्रिपरेशन चल रहा होगा। और दिनांक 30 यानी कि 30 तारीख का जो भी पेपर हुआ है जिनका रिव्यू हमको मिल पाया है, तो जैसे हमने कहा था कि हम उसके लिए आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, जितने भी वो क्वेश्चन मिल पाएंगे हम वो क्वेश्चन आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ आपको रियल एग्ज़ाम एनालिसिस जो स्टूडेंट्स द्वारा है और जो क्या उनका रहा, कैसा परफॉर्मेंस और कितना कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो हम यहाँ पर 25-25 प्लस क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस हम आपके लिए ले पाए हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चंस लगभग जितने भी आपके सब पूछे जा रहे हैं सभी में से हैं, और टेक्निकल में यहाँ पर कुछ मैकेनिकल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपके पास एनवायरमेंट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और कंप्यूटर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सभी क्वेश्चन जो भी हमको मिल पाए हैं 25 प्लस क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने लिए इस वीडियो को देखिए ताकि आप ये 25 जो क्वेश्चन है, तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस रहा कि क्वेश्चन जो हैं ये आपके क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं या फिर वैसा ही क्वेश्चन, मतलब कि उसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में भी, इसलिए ये 25 क्वेश्चन आपको जानने बहुत ज़रूरी है। तो ये 25 प्लस क्वेश्चन हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते हैं। और साथ साथ हमारे 2 वीडियोस और रिलीज़ हो चुकी हैं जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, और वहाँ पर हमने भी विस्तार से कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है और साथ साथ कट ऑफ और स्टूडेंट्स रिव्यूज़ के बारे में हमने बात की है। तो वो वीडियोस भी देखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर देखिए, मस्ट वॉच ये वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हमने कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं और एग्ज़ाम का जो कितना कट ऑफ गया जा सकता है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वो भी हम बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो आपके सामने पहली स्लाइड आ रही है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन रहे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कम लगे, लेकिन आप थोड़ा अपना ब्राइटनेस तेज़ कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा फ़ोटो ऐसा ही आया है। तो कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट रो ऑफ कीबोर्ड, यानी कि जो कीबोर्ड होता है उसका जो पहला रो होता है उस पहली रो को, उसे फर्स्ट रो होती है जो आगे रहती है जिसमें बटन रहती है, तो उस फर्स्ट रो को क्या बोलते हैं, तो उस फर्स्ट रो को बोलते हैं फंक्शन कीज़, जो फर्स्ट रो है वो फंक्शन कीज़ की रो होती है। ओके, दूसरा क्वेश्चन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मतलब कि जैसे जब किसी कंप्यूटर को बंद करते हैं तो उस समय कुछ उसकी मेमोरी जिसे कहते हैं रैम, जो रैम होती है वो रैम उसकी एक क्षणिक मेमोरी होती है, जैसे कि आपके फ़ोन में रैम होता है तो जो एप्लीकेशन चलता है उस समय रैम यूज होता है, लेकिन ये नहीं कि रैम भर गई, आप क्लीन करते हैं यानी कि आप एक बार सभी ऐप्स को क्लोज कर देते हैं तो रैम खाली हो जाता है, मतलब रैम एक क्षणिक मेमोरी टाइप की होती है, तो वो वोलेटाइल होती है। बट नॉन वोलेटाइल की बात की, नॉन वोलेटाइल मतलब रोम, और रोम में एग्जाम्पल बात की जाए तो हार्ड डिस्क यानी कि सीडी ड्राइव होती है या हार्ड डिस्क होती है उसे कहते हैं रोम कहते हैं। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है आपकी रोम यानी कि हार्ड डिस्क या सीडी डिस्क बोल सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है फुल फॉर्म ऑफ ICR, यानी कि ICR का फुल फॉर्म बताना है, तो ICR का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट कैरेक्टर इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये ICR का फुल फॉर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर जो 30 तारीख को पेपर हुआ है, और हम आज 31 तारीख हो चुकी है और 30 तारीख को जो भी पेपर हुआ ये उस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, और अगर आप 29 तारीख के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में वीडियो भी हमारा बन चुका है जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड हो गए जो भी कि हमने कलेक्ट किए हैं, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमने एक यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ था कि अगर आप सिर्फ फंक्शन की, जैसे कि ये फर्स्ट जो रो आप देख रहे हैं F1 F2, ये जो है ये देखिए फंक्शन कीज़ है, उसके बाद ये
टाइप राइटर की जो भी हम लिखते हैं टाइप राइटर की हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो इस कलर का है वो इसकी ये हो गया, ये आपके सिस्टम कीज होती है, एप्लीकेशन की आपकी ये वाली कीज होती है, तो मतलब ये वाली कीज होती है, और ये जो है ये आपकी न्यूमेरिकल कीज होती है, न्यूमेरिक मतलब कि जो नंबर वाली न्यूमेरिक कीज होती है, और ये कस्टम क्या कहते हैं कस्टम कंट्रोल की होती है ये वाली, और ये अदर्स में आती है जो वाइट वाली है, और इंटर की ये है। तो ये हमने कीबोर्ड आपके लिए बना के रखा हुआ है ताकि आप अगर मान लीजिए कि आपसे फंक्शन की के अलावा और भी कोई कीज पूछ ली जाती है कि बताइए न्यूमेरिक कीबोर्ड कहाँ होता है, सॉरी कस्टम करा था कर्सर कंट्रोल कीज कहाँ होती हैं तो आप बता सके, इसलिए हमने ये रखा हुआ है। इसको ज़रूर से ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि जब एक टाइप का क्वेश्चन आ चुका है तो उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है जीके से रिलेटेड। तो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था कि एशियन गेम्स 2020 कहाँ पर होने वाला है। अभी एशियन गेम्स 2020 की प्रिपरेशन चल रही है, वो कहाँ पर होने वाला है, वो होने वाला है चीन में होने वाला है आपका, और कहाँ पर है यह है हांगजू जेजांग में होने वाला है। हांगजू है जेजांग जो चीन में है वहाँ पर होने वाला है, और कब से कब तक होगा ये 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2020 यानी कि आपके 10 से 25 सितंबर तक रहने वाला है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि कहाँ होगा चाइना में हांगजू। ओके जो इस जी जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेकेंड क्वेश्चन था वो था लियोनेल मेसी जो किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है, वो फुटबॉलर है। ओके तीसरा क्वेश्चन था करेंसी ऑफ इटली बताना है, तो इटली की करेंसी यूरो है। चौथा क्वेश्चन है वार आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया ने कि भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद कितनी लड़ाई हुई, तो वहाँ पर वैसे तो टोटल 5 लड़ाई मतलब 5 वॉर्स हुए इंडिया के स्वतंत्र होने के बाद, लेकिन जो वहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि जैसे उसमें कई युद्ध दे देंगे, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड वार दे दिया, 1 दे दिया या 2 दे दिया, और आपको बोला जाएगा और फिर 1 दे दिया कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध दे दिया, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि या चौथा क्वेश्चन मान लीजिए कि दे दिया आपका क्या कह सकते हैं जैसे कि जो प्राचीन काल में युद्ध हुए आपके प्लासी के युद्ध मान लीजिए, तो आपको इस तरह से दे देगा, ठीक है। आप बोलेंगे कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद कौन सा युद्ध हुआ, तो ये तो पहले हुआ था, ये भी पहले हुआ था, प्लासी भी पहले हुआ था, और जो इंडिया पाकिस्तान का था युद्ध कई युद्ध हुए 2-3 युद्ध हुए, तो वो युद्ध स्वतंत्र होने के बाद हुआ था, तो आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। इस मतलब कि आप 5 युद्ध को समझ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा 5 युद्ध हुए थे, ठीक है। ओके पांचवा क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा एक्ट यानी कि एनवायरमेंट सुरक्षा एक्ट कब बना या कब लागू हुआ, तो ये 1986 में। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस जीके से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमको पता चले स्टूडेंट्स के थ्रू, तो हमने आपको बता दिए, इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ओके आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या थे, तो ये क्वेश्चन आया था कि L2O3 जो है उस L2O3 में वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम बतानी है, तो इसमें आप जानते होंगे केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो जानते होंगे कि L2O3 में आपके जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। ओके सेकेंड क्वेश्चन आया था कि अगर एक एलिमेंट डिनोट है इस तरह से, किस तरह से 283 ये एलिमेंट डिनोटेड है, तो उसका आपको बताना है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होगा। ओके तो आप जानते हैं कि किसी भी अगर किसी भी एलिमेंट को हम इस तरह से बांटते हैं तो अगर सबको जोड़ दिया जाए तो वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। ओके तो आगे बढ़ते हैं, आपके पास आगे क्वेश्चन आने वाला है फिजिक्स का, तो देखते हैं फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, समझते हैं। तो फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पहला क्वेश्चन था यूनिट बताने जो वोल्ट्समैन कांस्टेंट रहता है उस वोल्ट्समैन कांस्टेंट का यूनिट क्या है, ये तो टेक्निकल में भी पूछा जा सकता है, तो वो क्या वोल्ट्समैन कांस्टेंट का यूनिट है आपका जूल पर केल्विन, और वोल्ट्समैन कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1.3807 × 10²³ जूल पर केल्विन, ये उसकी वैल्यू होती है, इसलिए वैल्यू भी बता दिया गया है और आपको यूनिट भी बता दी गई जे के -1 यानी कि जूल पर केल्विन होता है वोल्ट्समैन
कांस्टेंट, ओके। और अदर क्वेश्चन आया था कि जो आपका मिरर फार्मूला होता है यानी वन अपान जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख ही रहे होंगे, वन अपान एफ इजकल टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू का मिरर का फार्मूला होता है। इस मिरर के फार्मूले में जो वी होता है वी के डिनोट करता है, तो मिरर के फार्मूले में जो वी होता है आपका ये क्या डिनोट करता है, ये आपका डिनोट करता है इमेज जो है आपका इमेज का डिस्टेंस जो शो करता है, यानी कि आपके जो मिरर है उस मिरर से इमेज कितनी दूरी पर है ये वो शो करता है, ओके। तो इसको समझ लेना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको हो गया। और आपके पास एक और क्वेश्चन है, ये है डिस्टेंस फार्मूला। पूछा गया कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं एस इक्वल टू होता है यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो ये आपने पढ़ा ही होगा, जैसे कि वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, उसी तरह से तीन फार्मूले हैं उसके, तो ये इसका डिस्टेंस फार्मूला है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, आपके सामने इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि अगर वाटर में, अगर जो वाटर होता है अगर उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा कर दी जाए तो कौन सा डिसीज़ होगा, तो उस डिसीज़ का नाम है फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा अगर फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और इससे क्या होता है, इससे हड्डियाँ यानी कि बोन्स डैमेज हो जाती हैं, बोन्स आपकी डैमेज हो जाती है, बोन्स हो जाते हैं डैमेज और दांत डैमेज हो जाते हैं, तो उस रोग को कहते हैं फ्लोरोसिस, ओके। और अदर क्वेश्चन था कि अगर वाटर में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाने से आपके बालों और आपकी चमड़ी यानी कि स्किन और हेयर में इफ़ेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन हमको पता चले, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर नहीं दे रहे हैं आरआरबी जेई के, तो आप जो भी आपके फ्रेंड्स पेपर दे रहे होंगे इनका पेपर होगा, आप उन फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए, आप उन फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो अपने पेपर में कम से कम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ और जेई के एग्ज़ाम निकाल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। अब बात करते हैं टेक्निकल की, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उनको मिले हुए हैं। टेक्निकल में हम मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, ओके। तो जो अदर ब्रांच वाले वीडियो देख रहे हैं अगर वो जानकारी के लिए चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं वीडियो। और अगर वो लोग जा रहे हैं तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लगातार ला रहे हैं और ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियोस बनाने में और मैटर कलेक्ट करने में और साथ ही साथ सब लोगों से बात करने में कि क्या क्वेश्चन आया कैसे क्वेश्चन आया थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए वीडियोस बहुत मेहनत के बाद बनती हैं और हर चीज़ देखनी पड़ती है। इसलिए वीडियोज़ को तुरंत लाइक कर दें और कमेंट करके हमको बताएं वीडियोज़ कैसे लग रही हैं, और आप जो जा रहे हैं अभी छोड़ करके हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैकेनिकल वालों के लिए शुरुआत करते हैं। तो टेक्निकल में जो मेन मुद्दा है वो ये है कि प्रोडक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, और आपके इंडस्ट्रियल से और ये मेट्रोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो है आयलर्स जो फार्मूला है वो आयलर्स फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो आयलर्स फार्मूला आपके लॉन्ग कॉलम के लिए यानी कि लंबे स्तंभों के लिए ये लागू होता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने आया हुआ था वो था कि अगर कोई भी सिस्टम है उसमें पी यानी कि आपका प्रेशर यानी दाब कांस्टेंट है, ओके, और ये फार्मूला टाइप क्वेश्चन टाइप का है, कुछ देख लीजिएगा फार्मूले बेस्ड पे ये, और अगर इसका वॉल्यूम पहला V1 है और दूसरा और उसी समय जब V1 का वॉल्यूम है उस समय इसका टेम्परेचर T1 है, और अगर उसको हीट किया जाता है मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम जो है जो V2 रहता है वो 2V हो जाता है, यानी कि जो पहले वॉल्यूम है उससे दोगुना हो जाता है, तो बताना है कि उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो आप आइडियल गैस लॉ आप जानते हैं कि P1V1/T1=P2V2/T2 होता है, तो इसी फार्मूले के थ्रू, क्योंकि P1 आपको दिया है कांस्टेंट, P1 और P2 तो कांस्टेंट ही है यानी कि P ही मान सकते हैं, और V1 का मान लो V मान लीजिए और V2 को 2V जैसे हमने यहाँ मान लिया है, ठीक है, और T1 आपको T दिया है और T2 आपको निकालना है, तो T1=T ही हो जाएगा, और T1 यानी कि अगर T1=T है आपका T1=T है और तो आपका T1 और T2 बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद यानी कि T2 बराबर भी आपका T हो गया, ठीक। तो इस तरह से ही जो भी टेम्परेचर रहा पहला दूसरा यानी कि पहले का टेम्परेचर T1 था फिर T2 था, ये दोनों टेम्परेचर बराबर हैं, ओके। तो ये रहा आपका T1
और टी टू की वैल्यू क्या रहेगी, टी टू की वैल्यू जो रहेगी तो टी वन के बराबर ही रहेगी। और आगे बढ़ते हैं तो ये है कि जो न्यूटन का लॉ है उस न्यूटन के लॉ को कौन सा फॉलो करता है। तो आपने जानते हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है एफ इजिकल टू एम ए होता है, जो कि हमको फोर्स के बारे में बताता है। दाब बराबर आपका जो भी रहता है, एफ आपका क्या है, ए एक्सीलरेशन है और एम उसका द्रव्यमान होता है। तो ये जो फार्मूला है तो इस फार्मूला को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर हम आपके इसको एम जो यहाँ था अगर उसको यहाँ हम ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एफ माइनस एम ए इजकल टू ज़ीरो हो जाता है। ओके, ये आपका न्यूटन्स लॉ था, सेकेंड लॉ, उस पर था कि कौन सा कथन इसको फॉलो करता है। तो ये आंसर है। आपके अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ ट्रू फॉर पिटॉट ट्यूब, यानी जो पिटॉट ट्यूब होती है आप जानते हैं कि पिटॉट ट्यूब 90 डिग्री पे होती है, इस तरह से लगी होती है जिसे हम मेजरमेंट करते हैं। तो पिटॉट ट्यूब के से रिलेटेड क्या चीज़ यानी क्या कथन सही है। तो आप जानते हैं पिटॉट ट्यूब जो है वो 90 एंगल पे होती है। इसमें और भी क्वेश्चन थे जिसमें वेंचुरी रिलेटेड कुछ कथन दिए हुए थे, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे और कुछ अदर स्टेटमेंट दिए हुए थे, लेकिन जो पिटॉट के लिए सबसे सही सुटेबल है वही हमको बताना है। तो वो है एंगल 90 होता है उसका, पिटॉट का 90 डिग्री पे होती है, वही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं पाँचवा क्वेश्चन। तो कह रहा है कि जो कार्बोराइजिंग करते हैं, आप जानते हैं कि जब आपका ये मेटल जो होती है ये हमारी जो भी क्वेश्चन है ये कार्बोराइजिंग वगैरह हो गया, ये मेटलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कार्बोराइजिंग जो है, कार्बोराइजिंग में जो हम किस तत्व का यूज करते हैं, तो कार्बोराइजिंग जो होता है उसमें कार्बन की यूज करते हैं। कार्बन को सतह पर क्या करते हैं, उसको करते हैं ताकि सतह की मतलब मजबूती बन जाए, सतह में खरोच वगैरह ना लगे, इसलिए कार्बोराइजिंग की जाती है, इसमें हम कार्बन का यूज करते हैं। छठा क्वेश्चन था, फुल फॉर्म पूछा था, डीसीईपी का फुल फॉर्म पूछा था। तो डीसीईपी का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ये डीसीईपी का फुल फॉर्म है। ओके, इसे याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था कि काइनेमैटिक विस्कोसिटी का फार्मूला बताइए। देखिए काइनेमैटिक विस्कोसिटी का फार्मूला पूछ लिया है, तो ध्यान रखिए कि काइनेमैटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी दोनों में रिलेशन होता है और दोनों में अंतर भी है। तो अगर काइनेमैटिक विस्कोसिटी की बात की जाए तो बराबर होता है, तो डायनामिक विस्कोसिटी जो होता है बाई में आपका डेंसिटी, जो भी डेंसिटी है तो उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो काइनेमैटिक विस्कोसिटी बराबर डी बाई डी, आप ऐसे समझ सकते हैं कि के बराबर डी बाई डी, डी डी दूरदर्शन आप देखते हैं ना, डी डी दूरदर्शन डी डी वाला, तो बस आप वही समझ लीजिए कि आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम बता रहे हैं आपको कि के बराबर डी 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 डी, बस खत्म। तो काइनेमैटिक विस्कोसिटी मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी बटे डेंसिटी, डी डी याद है, आपको याद हो जाएगा। और ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये वाला, भूलेगा नहीं ऐसे आप याद करेंगे तो। और आगे बढ़ते हैं, ये पूछा गया, तो ये तो मैंने बता दिया, फुल फॉर्म डीसीईपी भी हो गया और काइनेमैटिक विस्कोसिटी भी हो गया। ये आठवां क्वेश्चन जो था, नोमेनक्लेचर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, देखिए ग्राइंडिंग व्हील का नोमेनक्लेचर यानी कि ग्राइंडिंग व्हील के लिए जो एक टर्म क्या बोलेंगे, मतलब उसका एक नंबर होता है, ग्राइंडिंग व्हील का पूरा नंबर होता है, उस नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि उस नंबर जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर में जैसे मान लीजिए 2-3 डिजिट का चीज़ है, हमने आगे उसको बताया है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो ये क्या डिनोट करता है, ये क्या डिनोट करता है, इस तरह से चीज़ें पूछी गई थी, हम आगे बताते हैं। और अगला क्वेश्चन था कि जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आर आर टाइप का होता है तो उसका मतलब क्या है, जो आर आर टाइप का वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है उसका मतलब क्या है, तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे। दसवां क्वेश्चन था, बेयर इलेक्ट्रोड क्या होता है और बेयर इलेक्ट्रोड का यूज क्या होता है, तो बेयर इलेक्ट्रोड के बारे में आगे बताने वाले हैं आपको। और लेथ, हाँ एक और जो क्वेश्चन जिसको हम अभी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है कि लेथ, जो लेथ आपकी मशीन होती है, लेथ मशीन जो होती है आप जानते ही होंगे, आपने वर्कशॉप में इसका यूज किया होगा। तो अगर लेथ मशीन का जो टूल है, अगर वो टूल लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है, लीनियर मतलब ऐसे 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 आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो प्रोसेस होगा, जो कटिंग का प्रोसेस होगा या जो भी आप समझ लीजिए प्रोसेस जो भी होगा, उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, तो उस प्रोसेस का नाम होगा टर्निंग। ओके, उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, टर्निंग होगा। चलिए जो भी हमने पेंडिंग छोड़ी थी दो तीन चीज़ें, हम चलिए एक एक स्लाइड करके खत्म कर लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि जब ये ग्राइंडिंग व्हील होती है, ग्राइंडिंग व्हील होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसे ये नंबर दिया हुआ है 51A, 36L,
5V और 23, तो आपको ये नंबर अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप जाकर के ग्राइंडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या आया हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ था कि जो भी ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, ये आपको नंबर दे देगा और आप सिर्फ अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपसे 7 सवाल पूछ सकता है एक नंबर देने के बाद। कितने सवाल पूछ सकता है? 7 क्वेश्चंस पूछ सकता है ये। तो इन सभी का मतलब पता होना ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको ये दे दिया, ओके, अब आपसे पूछ लेगा वो कि आप बताइए कि जो आपका ये ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। तो उसमें क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड, अगर ए है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज किया गया है, सी है तो सिलिकॉन कार्बाइड यूज किया गया है, इस तरह से पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि ग्रेन साइज बताना है कितना। तो ग्रेन साइज आप देख रहे हैं, ग्रेन साइज यहाँ कितना है, 36, जो आपको देख रहे हैं 36 के ऊपर क्या लिखा है, ग्रेन साइज लिखा हुआ है, यानी ग्रेन साइज कितना है, 36 है। पूछ सकता है कि बताइए ग्रेड कौन सा है, मतलब कि क्या आपका ये सॉफ्ट है कि हार्ड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर एल लिखा हुआ है तो ए से लेकर के एल तक, यानी कि एल में मीडियम लगभग आ जाएगा, ए से सॉफ्ट होता है और जेड पे हार्ड होता है, ये नीचे लिखा हुआ इसके हार्डनेस का, ठीक है। तो एल बीच में लगभग आएगा, तो यानी कि ये मीडियम में होगा एल। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन है, डेंस टू ओपन, यानी कि जो आपसे पूछ सकता है 5 है तो 5 कहाँ पर होगा, डेंस में मतलब 5 की नंबरिंग कहाँ पर आ रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, डेंस टू ओपन वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इस तरह से ये नंबर और इस नंबर का क्या मतलब है ये पूछा जा रहा है ग्राइंडिंग से रिलेटेड। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि ग्राइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो कुछ क्वेश्चन हमको जो मिल गए वो हम आपकी भलाई के लिए लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर आर आर इलेक्ट्रोड है उसका मतलब क्या है, तो आर आर देखो यहाँ पर आर आर इलेक्ट्रोड मतलब कि रूटाइल हैवी कोटेड, रूटाइल हैवी कोटेड को आर आर कहते हैं। बी से मतलब बेसिक होता है, आर मतलब रूटाइल होता है, और सी मीन्स सेल्यूलोसिक होता है, ओके। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि जब आर आर आ चुका है तो कुछ भी पूछा सकता है। सी आर 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 भी अगर बोल देगा कि किसी इलेक्ट्रोड पे सी है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये हो जाएगा, आर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, और डबल आर इसका मतलब ये हो जाएगा, और अगर बी है तो इसका मतलब बेसिक हो जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। और मैंने कहा बेयर इलेक्ट्रोड कैसे क्वेश्चन से पूछा गया था, तो बेयर इलेक्ट्रोड क्या होता है आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग होती है ताकि उस पर ऑक्साइड ना बन सके। तो बेयर इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर कोई कोटिंग वगैरह नहीं होती, यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रोड होता है उस पर कोई कोटिंग नहीं चढ़ी होती, इसे कहते हैं बेयर इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब बेयर इलेक्ट्रोड का यूज कहाँ होता है, तो यहाँ पर सब लिखा है, एन अनकोटेड इलेक्ट्रोड इन इज यूज इन सबमर्ज आर्क ऑटोमेटिक बिल्डिंग विथ ए गैस शील्ड आर्क और ए ग्रेन्यूल फ्लक्स डिपॉजिट इन एन इलॉन्गेट माउंट ओवर ए जॉइंट। यानी कि सिंपल बात यह है कि आपके सबमर्ज आर्क जो वेल्डिंग होती है उस सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में हम इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बेयर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ओके। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, 30 कोई पेपर आया इसका में क्वेश्चन आया था। अब टेक्निकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं। ये क्वेश्चन है कि अगर पॉलीट्रॉपिक आपका प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो पॉलीट्रॉपिक आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है पी वी की पावर एन कांस्टेंट होता है। तो अगर उसमें हम एन को एन बराबर अगर एक कर दिया जाए तो वो कौन सा प्रोसेस बन जाएगा, तो सिंपल बात है आप एन बराबर एक कर देंगे यानी कि पी वी हो जाएगा, पी वी यानी कि पी इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि आइसोथर्मल होता है। तो अगर किसी भी आपके पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है, अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में एन इजकल टू अगर 1 कर दिया जाए, ओके, तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, वो हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अगर हमको ये बताना है कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है अगर, तो कौन सा प्रोसेस होगा। तो आप जानते हैं अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाए तो क्यू बराबर डब्ल्यू हो जाएगा, और अगर क्यू बराबर डब्ल्यू हो गया तो फिर आप जान ही गए कि कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोथर्मल हो जाएगा, क्या जाएगा, आइसोथर्मल। तो इस तरह से हमने लगभग यहाँ पर 25 प्लस क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो कि 30 को एग्ज़ाम हुआ है, ओके। तो
तो आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। अगर आपका पेपर 31 को है, यानी कि अगर आज है या 1 को है, तो आप याद कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस का अपने एग्ज़ाम में यूज कर पाएँ और लर्न करके जाएँ, ताकि उनका पेपर भी अच्छा जाएगा। तो हम आपके लगे लगातार अपडेट लाते जा रहे हैं। हमने तीसरा वीडियो हमारी सीरीज का अपलोड हो चुका है, तो ऐसी वीडियोज अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ऐसी वीडियोज टाइम टू टाइम पा सकें और आगे बढ़ सकें, अपने को आगे बढ़ा सकें, प्रोग्रेस कर सकें। और हमारे वीडियोज़ देखिए और हमारे वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी एक्चुअल में ज़रूरत है। और हमारे चैनल पर आप मोटिवेशनल वीडियोज़ भी देख सकते हैं और साथ साथ करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हम लेके आते हैं, तो ऐसे वीडियोज़ देखिए और अपने को आगे बढ़ाइए। हमारे वीडियोज़ देखने के लिए, हमको इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।